अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं ना। तो लीजा सो के उठी है जस्ट अभी और बस मेरे पास में है, मेरे साथ में है। ये देखो लीजा, दिखा दो तो। लीजा अपनी मेहंदी दिखा रही है, माशाल्लाह, वाओ। सो गाइस, कल है बकरा ईद और बकरा ईद के लिए मतलब आज से ही तैयारी शुरू हो गई है। तो हमने सोचा कि चलो आज से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा होगा मतलब मैं कैप्चर करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी वीडियोस और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो बस आज से हमने शुरू कर दिया और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज चुके हैं और लीजा तो उठ चुके हैं। लीजा यहाँ पर है। लीजा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो आप? म्याओ देख रही हो? कितनी म्याओ थी? 4 थी। दिखा दो कैसे? 4 थी। माशाल्लाह बेटी मेरी मतलब कुछ भी कहलाओ तो बोलती है अच्छे से। और बस अभी मैं यही हूँ लीजा के पास में। तो अभी 4:30 बज चुके हैं। अभी थोड़ी सी मतलब आज कुछ गर्मी टाइप का लग रहा है, बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, मगर फिर भी गर्मी हो रही है। तो अभी 4:30 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में, देखती हूँ क्या क्या मुझे तैयारी करनी है तो वो करूँगी। फिर अभी मम्मी बाजार गई हुई हैं, अभी वो भी आ जाएंगी। क्या? एक मिनट चुप हो जाओ, बात कर रही हूँ, बात तो करनी है। तो बकरा ईद के लिए बकरा भी आ गया है हमारे घर पे और अभी वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को। लीजा माशाल्लाह से इतनी खुश है ना और बिलाल भी बहुत खुश थे, मतलब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे बकरे को देख के। उनको मतलब बकरे को कल 2 दिन हो गए आए हुए और उसको अच्छे से खिला रहे हैं, पिला रहे, उसके आगे पीछे एकदम लगे हुए हैं। तो अभी वो भी दिखा दूंगी आप लोगों को। और क्या लोगी? बम क्या है? बम क्या है? बम क्या है? मेहंदी लगाए हो? चूड़ी पहने हो? सो गाइस, ब्लॉग को मतलब शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वरना आप लोग फिर इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं किचन में और फिर लग जाते हैं काम में, मतलब अपनी ड्यूटी में, और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं वरना लीजा भी उड़ गई, वो भी मुझे परेशान करेगी ऐसे, है ना? मम खाओगी? बम वो इमली वाली छोटी छोटी सी गोली चॉकलेट होती है ना, वही ये खाने के लिए बोल रही है। बम, उसको इमली बम बोलते हैं आई थिंक, तो वही खाने के लिए परेशान है लीजा। तो लीजा को भी ला के दूंगी मैं, है ना बेटू? खाओगी? कितना खाओगी बताओ? 4 खाओगी? 4 खाओगी? तो चलो 4-5 ला के देते हैं आपको, उसके बाद में मैं लगती हूँ काम में और करती हूँ काम, और साथ साथ में आप लोग भी इंजॉय करिए और देखिए हम लोग क्या 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 करते हैं मतलब। तो चलो चलते हैं ड्यूटी में। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारी सेवैयाँ हैं इनको अब मैं भून लूँगी और फिर उसके बाद में आगे बनाऊँगी सेवई। तो चलो देखिए आप लोग भी और इन्जॉय करिए। जो दाल भीग रही है इसके बनेंगे दही भल्ले। तो बस ये अच्छे से भीग जाए उसके बाद में इसको पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी ननद को मेहंदी लगाई थी तो वो हम लोग देख रहे हैं। और फिर अभी यहाँ पर सेवई की तैयारी शुरू हो चुकी है तो मैं बनाने जा रही हूँ सेवई और आप लोग भी देखिए कैसे बनाती हूँ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
till my shadow turns to sun rays. सो गाइस सेवैयाँ हमारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बस थोड़ी देर के बाद वो हो जाएगी और भी अच्छे तरीके से। तो बस अभी यहाँ पर हमने ढक दिया है और थोड़ी देर इसको पका लेंगे और बस हमारी सेवैयाँ रेडी हो जाएगी। उसके बाद में हम जा रहे हैं अभी दूसरी। लगा के दिखाओ हमको, लगा के दिखाओ। भाई के लिए हेलमेट आया है छोटू सा। वाओ माशाल्लाह, वाओ ये देखो भाई को। अब बिलाल भी स्कूटी चलाएगा ना। बिलाल आपका जो कपड़ा आया है ईद का वो आप दिखाओगी? नहीं दिखा दो सबको, चलो दिखाते हैं। बहुत सारे सूट आए ना इस बार लीजा के लिए, चलो दिखाते हैं। लीजा ये आपका कपड़ा है? ये ड्रेस किसकी है? लीजा की है। दिखा दो डैडा को। लाओ ये दिखा दो। किसका है ये ड्रेस? किसकी है? आपकी है। हाँ लीजा की है ये। किसका है लीजा? लीजा का है ये। लीजा का है। इधर देखिए, ऊपर ऊपर देखिए लीजा, ये देखिए मम्मा के हाथ में देखिए। ये किसका है? लीजा का कपड़ा है। चलो अब रख देते हैं इसको, कल पहनना। तब कौन सा पहनोगी कल? कौन सा पहनोगी? ये वाला, ये वाला रेड वाला। अच्छा वाह ये भी अच्छा है। हाँ ये पहन लेना पहले, फिर वो वाला पहन लेना। हाँ गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और कुर्बानी भी हो चुकी है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से। और अभी सब बाहर वही इंतज़ाम हो रहा है मतलब गरीबों में बांटने के लिए। और अभी मैं रूम में आई हूँ जस्ट, क्योंकि काम से फ्री हो गई थी मैं और मेरी तबीयत भी कल रात ही नहीं है, सर्दी ज़ुकाम बुखार यही सब है, तो मैं उसी से परेशान हूँ। बट कोई बात नहीं है, आप लोगों को दिखाना है मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोगों की वहाँ आप लोगों तक वीडियोस पहुँचानी है, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे कैप्चर करना ही पड़ेगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो बस वही है, अभी मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और बस आज हमारी वहाँ क्या क्या बना है वो तो अभी आप लोगों ने देख लिया, बट और अच्छी तरीके से अभी दिखा दूँगी मैं क्या क्या बना है हमारे वहाँ। और बस यही है। और लीजा बाहर अभी खेल रही है, उसको अभी हमने रेडी नहीं किया है क्योंकि वो सो के उठी थी, उसका मूड ठीक नहीं था। तो सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, कुछ लोग मतलब सब काम में ही लगे। सो गाइस मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद में, चाय पीने के बाद में और लीजा को रेडी करने के बाद में, तो बने रही। देखे लीजा, चलो चलो कोई बात नहीं। देखें तीनों चारों लोग को, वाओ माशाल्लाह। इतना दे दो दे दो दे दो।
कहाँ जा रही हो? देखें कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना है? चलो जाओ, बाय बाय। जूती देखे रहे ना, गिरे विरे ना। झाल के आगे बैग रख दिया ना। देखें गिराना नहीं, चल भाई ने। पापा ये क्या कर रही हो? ये देखो मेरे हाथ में। अभी जस्ट खाना वाना बना के फ्री हुई हूँ और रूम में आई हूँ। लीसा बाहर घूमने गई हैं और कुर्बानी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था और जो गरीबों में बांटना था सब बट गया है। तो आज मतलब दावत है सबकी, तो आज काम कुछ ज़्यादा ही था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो पर खाना वाना बना के फ्री हो गई हूँ। मतलब मैं और मेरी ननद दोनों ने मिल के खाना बनाया है आज, क्योंकि काम ज़्यादा था और फिर सबकी दावत भी है और फिर घर में कुर्बानी थी तो काम वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो गरीबों में जो बांटना था सब बट गया है, गोश्त वगैरह जो घर में थोड़ा बहुत बनाया गया है, सबकी दावत ली है हम लोगों ने। तो सुबह से ही काम में हम लोग लगे हुए हैं सब के सब लोग। तो और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, हम लोग सब पड़े हुए हैं बीमार हैं मतलब थोड़ा। और बस अभी लीजा बाहर घूमने गई हैं और बस जस्ट खाना बना के आई हूँ, फ्री हुई थी तो सोचा कि थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ क्योंकि लीजा बाहर गई हैं तो मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ। और बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया काम 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 में। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और खाने में क्या बनाए वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी, तो चलो दिखाती हूँ खाने में क्या बनाए। सो गाइस, ये है कोरमा और हम लोगों ने बनाया था कोरमा पुलाव और चने की दाल और दही बनने थे और सलाद वगैरह था। तो ये आज शाम का खाना था और सबकी दावत थी। Close till I get up. Time is barely on our side.